तो जी लेकर हाजिर हुई हूँ लाजवाब और ज़बरदस्ती 5 टिप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सिमर्स किचन। मैं हूँ सिमर। घर में पड़ी हुई पुरानी और ख़राब सीडी किस तरीके से आप लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और एक ऐसी चीज़ में जैसी आपने कभी जहनों गुमा में भी नहीं सोची होगी कि आप लोगों के घर में भी ग्रेटर मौजूद है और वो जो है बिल्कुल डल हो चुका है, बिल्कुल शार्पनेस नहीं रही उसमें। तो ये टिप मेरी स्पेशल आप लोगों के लिए है, काफ़ी बजट फ्रेंडली, ज़ीरो ऑफ कॉस्ट काम किया जाएगा सारा। आप लोग हैरान रह जाएंगे, सीडी पकड़ के ग्रेटर को इस तरह से आप जो है ना वो करना स्टार्ट कर दे, इससे जो है ना वो आप लोगों का ग्रेटर अच्छे तरीके से जो है ना वो शार्प हो जाएगा, जैसा कि मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। ये देखें जी, अच्छे तरीके से सीडी की मदद से इसको जो है ना वो कर लें आप लोग। जैसे ग्रेटर को ही चलाते हैं, यानी ग्रेटर की मदद से किसी चीज़ को ग्रेट करते, तो ऐसे आप लोग सीडी से करें। इससे जो है ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर शार्पनेस आएगी, जो चीज़ भी आप ग्रेट करना चाहेंगे वो ज़बरदस्त तरीके से शार्प हो जाएगी। आप लोगों ने देखा ये मेरी कितनी ज़बरदस्त टिप थी। चले जी बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप यहाँ पर है जी मेरी, इस तरह के खाली जो है ना मेडिसिन के पैकेट्स को, टैबलेट्स वाले पैकेट्स को ले करके। आप लोग इसको अक्सर घर में फेंक देते होंगे, लेकिन इनके से हम ऐसा काम ले सकते हैं जो आप लोग जो है ना देख कर भी हैरान रहते हैं कि इनसे बहुत सारे काम जो है ना वो लिए जाते हैं। खैर अब हम लोग जो है ना मैं बताती हूँ क्या करना है इसका। आप लोगों के पास इस तरह से घर में लाजमी से जो है ना वो लिड अवेलेबल होगा नॉन स्टिक का। इसके साइड्स में ना बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रीस टाइप चलने की चली जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा जो ना हम लोग इसको वॉश करें फिर भी नहीं निकल पाती, बिल्कुल जो है ना वो एडिस के अंदर फंस जाती है। आप लोग इसकी मदद से इसे जो है ना वो साफ़ करें और मैं आप लोगों को रिज़ल्ट दिखाऊंगी वाज़ है, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको हर चीज़ का वाज़ रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो देखो आप लोगों ने कितनी जो है ना वो ये हो गई है, यहाँ से मैंने बीच में से कितनी ज़्यादा जो है ना वो ग्रीस टाइप इसके अंदर से निकाली है। तो इस तरीके से आप सारी जो है ना वो साइड से एडिस से इस तरह से निकालें सारे जो है वो ग्रीस वगैरह, तो ये साफ़ सुथरा हो जाएगा। देखा मेरी ये टिप भी कितनी अच्छी है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वाली टिप भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और लाइक में शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। ये देखें इस तरह से आप लोग निकाल लें इसके अंदर से सारी ग्रीस, आप लोगों का जो है वो लिड साफ़ सुथरा अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो ये देखें थर्ड टिप मेरी ये है कि आप लोगों के पास भी इस तरह के खाली जो है ना वो साबुन के पैकेट्स अवेलेबल हैं, और आजकल के मौसम में जो है ना वो बास्केट से बहुत स्मेल आती है। उसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक खास जो है ना वो टिप लेकर आई हूँ। आप लोगों ने जो है ना वो क्या करना है, बस आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि सारी टिप को फुल वॉच किया करें, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पता चल सके, समझ में आ सकें किस तरीके से आपने जो है ना वो टिप में सारा काम जो है ना वो करना है। ये देखिए जी, अब आप लोगों ने जो है ना वो क्या करना है, जब हम बास्केट अंदर शॉपर लगाते हैं ना, आप लोगों ने बास्केट अंदर शॉपर लगाने से पहले इस तरह से जितने भी आप लोगों के पास जो है ना वो सोप के साथ पैकेट अवेलेबल हो वो इसके अंदर रख के फिर करना है। इसे जो है ना वो एक तो आप लोगों को जो है कूड़ा उसमें बिल्कुल भी जो है ना वो ज़्यादा स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी मरतबा की स्मेल जो है ना काबिल बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन इससे आप लोगों को बिल्कुल भी इतना जो है ना वो फील नहीं होगा। देखा आप लोगों ने कि ये भी मेरी कितनी ज़बरदस्त टिप है। इसी तरीके से आप लोग जो है ना बाकी भी लाजमी से ट्राई कीजिएगा। तो जी अब हम लोग अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। अब चल रहा है जी बहुत ज़्यादा बरसात का मौसम, कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं लगता। अनाज हो, चावल हो, या किसी भी किस्म की दालें हों, बहुत बुरे तरीके से उनको जो है ना वो कीड़ा लग जाता है, स्पेशली इस मौसम में। ये मेरी टिप जो है ना उन लोगों के लिए है जो अपने घर में चावल अनाज को सेव करना चाहते हैं, दालों को सेव करना चाहते हैं। तो मेरे लिए आप लोगों के लिए खास जो है ना वो ये टिप है। आप लोगों ने जो है ना वो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक चीज़ का यूज़ करना है, और वो एक चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ वो है जी यहाँ पर वुडन स्टिक्स, यानी कि जो है ना वो लकड़ी वाली जो आपके पास होती हैं आइसक्रीम वाली स्टिक्स, वो आप लोग माचिस की तिली भी ले सकते हैं, टूथपिक भी ले सकते हैं जो आपके पास लकड़ी का अवेलेबल हो। ये पैकेट के अंदर डालने के बाद आप लोग इस तरह से नॉट लगा दें। अच्छा जी ठीक है, तो ये बिल्कुल भी इसको जो है ना वो कीड़ा नहीं पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ इस वुडन स्टिक की वजह से। देखा आप लोगों ने ये मेरी कितनी जो है ना वो ज़बरदस्त टिप है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा ये मेरी टिप अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, अब आप लोगों ने जो है ना वो नेक्स्ट टिप के लिए क्या करना है, नाइफ को गर्म करके अच्छे तरीके से अपनी जो ग्लू गन की स्टिक होती है उसके ऊपर इस तरह से जो है ना वो राउंड सर्कल्स कट कर लेने हैं। मेरी ये टिप आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, स्पेशली जब आपको जो है ना एमरजेंसी हो जाए उसके लिए। यहाँ पर एक नीडल को गर्म करके हम लोगों ने इसके अंदर होल कर लेने हैं, सेम एज जैसे जो है ना आप लोगों को एक सिंपल बटन के अंदर जो है ना वो हुए हुए होल्स मिलते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर जो है ना वो हम लोगों ने होल कर लेना है अच्छे तरीके से नीडल को गर्म करके। एंड देन हमने यहाँ पर जो है ना नेल पॉलिश यूज़ करनी है, पोस्टर कलर या क्लियर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से जो है ना वो आप लोगों ने अपने इस होममेड शर्ट के बटन के ऊपर जो है ना वो लगा देनी है। इस तरह से नेल पॉलिश जिस भी कलर के जो है ना वो बटन आपका टूटा हो तो उस हिसाब से आप लोग इसके ऊपर ये लगा लें। तो अभी मैं आप लोगों को जो है ना स्टिचिंग भी करके दिखाऊँगी कितने अच्छे तरीके से जो है वो इससे हमारा ज़रा अच्छा सा बटन तैयार हुआ है।
ये देखिए जी कितनी जो है ना वो मेरी ज़बरदस्त अच्छी सी जो है ना ये टिप तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ मेरी आपको ये टिप अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो को लाइक और हमें शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। लाजमी से पांचों में जो टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी उसके बारे में कमेंट कीजिएगा और इनको घर पर भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। ज़ीरो ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चीज़ आप लोगों को एडिशनल या एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वाली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मुझे तो इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखें, मुझे फैमिली को दुआ में लाजमी और देखें कि ये टिप्स लाजमी से घर पर ट्राई करें, बहुत काम आएंगी। अल्लाह हाफिज़।